सो एसओएससी लर्नर्स, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। आई होप कि आप लोग सभी बढ़िया ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही बात है, मैंने आपको इसको यही बात आपको क्वेश्चन नंबर टू में भी समझाई थी कि एक्चुअल डिवीजन के बिना ही हमें कैसे बताना पड़ता है। जैसे मैं चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन जैसे कि यहाँ पर है 13/80, ठीक है, 13/80 है। तो आप यहाँ सिंपल सी भाषा में बताया था मैंने आपको कि न्यूमरेटर जो डेनोमिनेटर है वहाँ पर 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए, 2 या 5 का एक फैक्टर होगा तो क्या होगा, ये सिंपल सा हमारा बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा ये हमारा कौन सा है, ये चौथा है क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप इसके फैक्टर कर लो हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करोगे, 80 के फैक्टर 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। देखो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर हो गई हमारी 4 और गुणा 5 ऊपर 13। तो सिंपल सी भाषा में देखो 2 और 5 के दोनों ही आ गए यहाँ, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। तो हम क्या कह देंगे इसको, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और अगर हमें आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना ही नहीं है यार, मतलब कि डिवीजन तो करना ही नहीं है इसका, सिंपल बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। वो कैसे बताया जाता है, आपको डेनोमिनेटर में देखना है 2 या 5 का फैक्टर है या नहीं है, इस बात को लिख लो आराम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में है हमारा, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में कैसे है, ये हमें बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फैक्टर लेना पड़ेगा 24 का। तो फैक्टर लेंगे 24 का, 2 से ये 12 बार जाएगा, फिर 2 से ये 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 की पावर तो 3 हो गई है, लेकिन इंटू 3 ऊपर क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए 2 तो आ गया फैक्टर, लेकिन यहाँ 3 भी आ रहा है, और जब इसको 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, 8/35। तो क्या हो जाएगा ये, 8/35 तीसरा पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखो 35 है, 35 को हम किस तरीके से करेंगे, 35 से करोगे तो 5 7 35 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 7 आ गया ना इसका फैक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। खाली 2 और 5 नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वरना तो ये टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे अगले क्वेश्चन की, फोर्थ है इसमें, फोर्थ मेरे को आप करके बताएं। फोर्थ वन इज 6/125, 6/125 है। तो अब इसको आप किस तरीके से करेंगे बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 × 5 × 5 मतलब कि 5 की पावर क्या हो गई, 3 और ऊपर 6। सिंपल सी बात है, 5 आ गया डेनोमिनेटर में, फैक्टर 5 ही 5 है खाली, 5 से तो आराम से डिवाइड हो सकता है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। तो हम इसको क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू।